मैं हूँ पूजा सिंह, किचन गुलदस्ता में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा, जिसे मैं बहुत ही कम सामान के साथ बनाऊंगी और इसे बनाने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल ही कम इंग्रेडिएंट के साथ यह हलवा तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया है 1 kg के आसपास गाजर लिया है। इसे मैंने अच्छी तरीके से धुलकर साफ़ कर लिया है और इसकी बाहरी परत को निकाल लिया है। इसमें जो रेशे वगैरह लगे रहते हैं उन सभी चीज़ों को हम साफ़ कर लेंगे और इसे हम कद्दूकस की सहायता से कद्दूकस करेंगे। आप चाहें तो इस प्रकार का कद्दूकस यूज कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर फूड प्रोसेसर का यूज़ करूँगी। मैंने गाजर को ग्रेट कर लिया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। सभी गाजर को इसमें हम निकाल लेंगे। इसके साथ ही मैंने लिया है 1 बड़ी कटोरी चीनी और 1 फुल कटोरी मैंने मावा, जिसे घर पर ही मैंने तैयार किया है, और थोड़े से काजू और बादाम जिसे बारीक बारीक मैंने क्रश कर लिया है, और थोड़े से किशमिश और थोड़े से कुटी हुई इलायची। मैंने पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। हलवा बनाने के लिए कभी भी हम भारी तले का बर्तन यूज करेंगे। पैन गर्म हो चुका है, इसमें हम 1 चम्मच के करीब घी डाल देंगे। घी मेल्ट हो जाने के बाद इसमें हम सभी गाजर को डाल देंगे। सभी गाजर को हम थोड़ी देर अच्छे तरीके से भुनेंगे। गाजर को हम चलाते रहेंगे। गाजर को हम लगभग 20 से 25 मिनट तक भुनेंगे, जब तक कि इसका पानी न सूख जाए। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे गाजर का पानी सूख जाएगा उसका कलर भी चेंज होता जाएगा। हम इसे चला लेते हैं अच्छे तरीके से। गाजर के हलवे को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। जैसे जैसे इसे हम भून रहे हैं और इसका पानी सूख रहा है, आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी भी कम होती जा रही है। इसे अभी हम 15 मिनट और भूनेंगे। मैंने करीब 20 मिनट तक गाजर को भूना है। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी बिल्कुल आधी रह गई है। इस टाइम पर मैं 200 ml इसमें मिल्क डालूंगी। मिल्क डालकर इसको अच्छे तरीके से चलाकर इसे लगभग 10 मिनट के लिए ढककर कुक करेंगे। हीट को मीडियम ही रखेंगे, फिर 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, आइए चेक कर लेते हैं। मिल्क पूरी तरह से सूख चुका है। इस टाइम पर हम इसमें मावा डालेंगे। इसमें हम मावा डाल देंगे। इसमें चीनी भी ऐड करेंगे। जितना आप मीठा पसंद करते हो उसके हिसाब से आप इसमें चीनी डाल दें। इसे अच्छे तरीके से मिला लें। चीनी और मावा जाने के बाद गाजर में एक बार फिर से मॉइस्चर रिलीज होगा, तो आप इसे थोड़ी देर ऐसे चलाते रहें। करीब 10 मिनट तक हम और गाजर को कुक करेंगे। हलवे को हम चेक कर लेते हैं। हलवे को हम फिर से चलाएंगे और आप देख सकते हैं खोआ और जो चीनी मेल्ट हुआ था वो सूखना शुरू हो गया है। इस टाइम पर इसमें मैं कटे हुए काजू और बादाम वो डाल दूंगी। किशमिश भी ऐड कर देंगे
और कुटी हुई इलायची पाउडर वो भी डाल देंगे। अब बिना कवर किए हलवे को हम लगभग 10-15 मिनट तक और भूनेंगे। और आप देख सकते हैं जिस प्रकार मैं चला रही हूँ इसी तरह आप इसे चलाते रहें ताकि तली से या चिपके नहीं। बराबर हम चलाते रहेंगे और हलवे को भूनते रहेंगे। इस प्रोसेस को हमें 10-15 मिनट तक करना है। आप देख सकते हैं मैंने इसे हाई फ्लेम पर लगातार चलाया है। अभी गाजर का हलवा लगभग सूख चुका है, इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं बची है। इस टाइम पर मैं इसमें घी ऐड कर दूंगी। घी को डाल देंगे और फिर से इसे हम लगभग 10 मिनट के लिए भुनेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि तली में गाजर का हलवा चिपके नहीं, लगातार चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं हलवा पैन से अलग होने लग गया है, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर आया है। इस टाइम पर हम हीट को बंद कर देंगे। हलवा हमारा तैयार है, इसे अब हम सर्व करेंगे। हलवे को हम एक बाउल में निकाल देंगे। इस हलवे को तैयार करने में मुझे लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगा है। परफेक्ट हलवा बनकर तैयार है, या इसे यूँ कहिए यह सर्दियों का डेजर्ट है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है, कलर भी बहुत ही मस्त आया है। इसके ऊपर आप थोड़े से काजू और बादाम से गार्निश कर लें। हलवा तो तैयार है, आप इसे अपने घर पे जरूर बनाएं। और कैसी लगी रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।